ये देखो सड़क की हालत, ओ माय गॉड। और बड़ा देख देख के चलाना पड़ रहा है इधर, क्योंकि हर जगह ऐसे रोड खराब है। गाइस ये रास्ता देखो, ये देखो गाइस कितनी ऊपर आ गए हम। ओए होए। हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन, और मैं हूँ आपका अर्जुन। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम नैनीताल में हैं, बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए, और बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलो ओके भाई, चलते हैं, ठीक है? चलो ओके भाई। सो गाइस, नैनीताल से मुक्तेश्वर 50 किलोमीटर है, और अभी 11:30 हो रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। वैसे गूगल मैप तो 1 घंटा बता रहा है। 50 किलोमीटर भी गाइस पहाड़ पे चलाना बहुत हो जाता है, क्योंकि वही 30-40 के स्पीड में चलती है स्कूटी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है 50 किलोमीटर भी कवर करने में। गाइस ये देखो रोड की हालत, अभी नैनीताल में जो बारिश आई थी ना इतनी, उस वजह से सड़क ढह गई। पहाड़ों में गाइस यही होता है। बाकी मेरी स्कूटी 5999 किलोमीटर चल गई, थोड़ा सा अभी और चलाऊंगा तो 6000 किलोमीटर टच हो जाएगी। सो गाइस मेरी स्कूटी के 6000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। जब मैं हिमाचल लेके गया था तब 4000 कंप्लीट हो गए थे, मतलब रास्ते में ही चंडीगढ़ साइड 4000 कंप्लीट हो गए थे। ये देखो सड़क की हालत, ओ माय गॉड। गाइस अभी बीच में रुके हैं हम, जिस होटल में थे यार वहाँ से कल तो वीडियो अपलोड हो गई थी, आज हो ही नहीं पा रही, तो अब हार के फ़ोन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गाइस वीडियो तो अपलोडिंग पे लगा दिया, देखते हैं कितने बजे तक अपलोड होगी। अभी 11:48 हो रहे हैं, कल तो हो गई थी यार वीडियो सही अपलोड, आज पता नहीं क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा सही से, इधर नेटवर्क आज नहीं आ रहे, कल तो सही आ गए थे। ये देखो गाइस कैसा सा रास्ता है, और ये देखो कितनी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। गाइस इधर रुके हम चाय पीने के लिए। A few moments later. चलो गाइस चाय पी ली, निकलते हैं हम यहाँ से। गाइस मेरे को इतना मजा आ रहा है ना इधर अपनी स्कूटी चला के, क्योंकि कहीं ना गाइस ये मेरी ड्रीम राइड थी कि मेरे को उत्तराखंड स्कूटी लेके जानी है। वैसे तो मेरा मन यही था अल्मोड़ा जाऊँ, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर आगे ताकुला पड़ता है, उसी जगह पर मेरा गाँव है, पर इस बार तो शायद ताकुला नहीं जा पाऊंगा। बट कोई नहीं, ड्रीम यही था कि अपनी स्कूटी उत्तराखंड लेके जानी है, इधर चला के वो फील लेना है कि कैसा फील आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार होता ही है, अगर आपका गांव कहीं दूर होगा, आप जाते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जाते होगे बाय कार, बट कभी ना कभी आपका मन करता ही होगा यार कभी अपना पर्सनल कोई व्हीकल लेकर आऊँ इधर, तो कितना मज़ा आएगा। तो बस वही है, अभी हम भवाली से जा रहे हैं मुक्तेश्वर। गाइस व्यू देखो यहाँ से, अब ये ना प्रॉपर पहाड़ आ चुके हैं एकदम मस्त वाले, मतलब खाली भी हैं, कुछ गाड़ियां भी आ रही है, कुछ बाइक भी आ रही है, बट ऐसे स्लो स्लो जा रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है, और व्यू तुम्हारे सामने है। गाइस व्यू देखो, ये देखो जो मजा आ रहा है ना ऐसी जगह पे राइड करने पे, वो मैं आपको बता नहीं सकता। गाय ये देखो उत्तराखंड के सीढ़ी नुमा खेत, और वो देखो सामने हिमालय दिख रहा है, पूरी बर्फ जमी पड़ी है। चलो भाई, गाय ये सड़क देखो पूरी खराब। गाय देखो पहाड़ों में यही होता है, थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो यहाँ सड़कें बह जाती है। बाकी एक लोकल से पूछा अभी, मुक्तेश्वर 21 किलोमीटर बता रहे हैं, बट कौन सा वाला रास्ता है।
मुक्तेश्वर है 23 किलोमीटर सीधा। गाइस अब इतनी ठंड लग रही है ना, क्या बताऊँ, मैंने लेदर की जैकेट पहनी हुई है फिर भी बहुत ठंड लग रही है, और बड़ा देख देख के चलाना पड़ रहा है इधर, क्योंकि हर जगह ऐसे रोड ख़राब है। बट सो फार सो गुड, मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखो व्यू, ओह जन्नत कहते हैं इसे, जन्नत। वैसे मुक्तेश्वर में कभी गया नहीं, पहली बार ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होगा। गाइस ये रास्ता देखो कितना सुंदर है यार, जहाँ पे भी ये छाव छाव है ना, इधर तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। मतलब जिस जगह धूप पड़ रही है वो तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जिस जगह ये छाव है ना वो तो बहुत बहुत ठंड दे रहा है। और मुक्तेश्वर रह गया 20 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 2:05। अब जब हम इस धूप में रहेंगे ना, हाँ, तब इतनी ठंड नहीं लगेगी, मतलब लगेगी, बट अगर कंपैरिजन करा जाए ना तो ये छाव में जब चले जाते हैं ना, हाँ, इधर एंटर करते के साथ ही बहुत तगड़ी ठंड लगती है, बहुत। गाइस ये सामने का व्यू चेक करो, ये देखो ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, बट बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं ऐसे। ये जो सारे पेड़ हैं ये सूख गए हैं, लेकिन फिर भी दिख बहुत अच्छे रहे, एक मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं दूर से ही। गाइस ये देखो लैंडस्लाइड कितना खतरनाक हो रखा है इधर। गाइस देखो हम कब से निकले हुए हैं और अब तक हमसे 50 किलोमीटर कवर नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइस ये पहाड़ है, 30 से 35 की स्पीड में चल रही है स्कूटी, उससे ज़्यादा चला नहीं पा रहे, और बहुत घुमावदार है तो धीरे ही चल रही है। पहाड़ों में ना ऐसा होता है कि आप चल रहे हो 50 किलोमीटर जाना, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, और आप चला रहे हो ना स्कूटी तो ऐसा लगता है कि यार इस पहाड़ से तो अभी होके गया हूँ मैं, ऐसा लगता है बार बार कि इस रास्ते से तो अभी गया हूँ, इस रास्ते से तो अभी गया हूँ, तो ऐसा लगता है एक लूप में फंस जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हम चल रहे होते हैं, बट वो ये थोड़ा सा ना दिमाग ऐसे ख़राब होने लग जाता कि यार अब तक पहुँचे क्यों नहीं, कितना कवर करा नहीं करा। गाइस मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस ये व्यू देखते रहो आप। वाह यार ये पहाड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और ये देखो सामने पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं। मतलब इस पहाड़ पे जितने भी पेड़ है ना सबने पूरा पहाड़ कवर कर रखा है। तो आइए इधर फिर से हम लोगों को लिफ्ट देते हुए चलो। मुक्तेश्वर कितना दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर होगा। अच्छा 2-3 किलोमीटर होगा। ये देखो यार कितनी अच्छी जगह पे रहते हो तुम। तो गाइस इधर हल्का सा आगे छोड़ना है ने, तो हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, कह रहे बस हल्का सा आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो रोडों के हाल क्या हो गए, कैसे यहीं पे ठीक है। चलो गाइस यही, इनको तो बस 1 किलोमीटर ही छोड़ना था, अब 1 किलोमीटर के लिए क्या हेलमेट देते हैं इनको। वैसे पहाड़ी रास्ता है, हेलमेट पहनना चाहिए, बट कोई बात नहीं। ये देखो गाइस कितनी ऊपर आ गए हम, ओए होए। गाइस चाय का ब्रेक लिया है, कुछ खा भी लेंगे थोड़ा बहुत, और इस रेस्टोरेंट से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये देखो क्लाउड्स कितने नीचे लग रहे हैं, वैसे क्लाउड्स नीचे नहीं, हम ही कुछ ज़्यादा ऊपर है, वो देखो। बाकी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा है, भूख लग रही है, सुबह से बस ब्रेकफास्ट करा और एक जगह पे चाय पी है, और मुक्तेश्वर आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो सिद्धार्थ भाई भी टोस्ट और चाय एंजॉय कर रहे हैं, बाकी अभी आपको ये सब खा के मिलते हैं। तो गाइस चलते हैं, अब एक रिजॉर्ट बुक कराएं यहाँ पे, वहाँ चलते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं, ये 50 किलोमीटर की राइड भी ना पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से, ग्रीन ओका रिजॉर्ट में जाना है हमें, यहीं है 1 किलोमीटर पीछे। कौन सा है, यही है क्या ग्रीन ओका रिजॉर्ट? यही है ग्रीन ओका, यही है ना? हाँ गोस्ट टॉप हो गया। अच्छा चलो गाइस फाइनली होटल मिल गया, अब इसका नाम गोस्ट टॉप हो गया। सो गाइस हमारे रिजॉर्ट के सामने से व्यू देख लो। बाकी गाइस यही था इस व्लॉग में, नैनीताल टू मुक्तेश्वर आए हैं हम, बहुत 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 ज़्यादा थक गए, 50 किलोमीटर की राइड भी बहुत हैप्टिक हो गई है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और
कई जगह बहुत खराब भी था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कर देना कमेंट। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे, एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा में बलि नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग छूटे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।